नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा का टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट। इसमें बताऊंगा भाई कंपनी क्या कुछ फीचर ऑफर करती है। और भाई नया कलर आया है ये, इसी कलर में कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, इवेंट में भी यही कलर शो किया था। और भाई जहां भी इसकी डेमो गई है या फिर पहली यानी कि लॉन्चिंग के टाइम पर जो भी कार शोरूम्स में गई है वो भी इसी कलर में थी। ये है भाई खाकी कलर, इसमें थोड़ी अलग सी दिख रही है फोटो में आपको, और ज्यादा प्रीमियम लगेगी ये। पास आके थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, जब मतलब सामने से आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा उस टाइम पे अलग लग सकता है फोटो से। तो भाई शुरुआत करते हैं के फ्रंट से। फ्रंट में यहाँ पे आपको वैसा ही सारा कुछ मिलेगा जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी SX वेरिएंट की, वैसा ही है सारा कुछ, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। सेम यहाँ पे आपको ये ग्रिल मिल जाएगी पियानो ब्लैक कलर में, यहाँ पे ये इसमें ग्रिल दी गई है, एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा गया है Hyundai का लोगो। बीच में यहाँ पे दोनों DRL को जो पार्ट कनेक्ट करेगा ये मिल जाएगा मैट ब्लैक कलर में। यहाँ पे मिल जाएगी HMS की DRL, और भाई पीछे इसमें हेलोजन ये इंडिकेटर दिया गया है। हेलोजन इसमें हेडलैम्प मिलेगा, प्रोजेक्टर सिंगल यूनिट है, और भाई यहाँ पे पूरा ये पियानो ब्लैक है। नीचे यहाँ पे इसमें मिल जाएगी स्किट प्लेट सिल्वर कलर में। फॉग लैंप भाई इस वाले वेरियंट में है, बिल्कुल टॉप वाला वेरिएंट है, ड्यूअल टोन आएगा इससे ऊपर, बस छत उसमें काली हो जाएगी, बाकी फीचर्स सारे ऐसे ही रहेंगे। अब भाई ये AMT वेरिएंट है, तो इसमें यहाँ पे स्मार्ट ऑटो का आपको ये इसमें बैज मिल जाएगा। और भाई इसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील, और इसका भी साइज 15 इंच ही है, 175/65 R15। टॉप वेरिएंट में भी आपको 15 इंच के इसमें टायर मिलेंगे। आगे मिलते हैं इसमें डिस्क, और पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। अब भाई इसको SUV दिखाया है, माइक्रो SUV, मिनी SUV, जो भी आप बोलना चाहो। तो भाई इसलिए इसमें ये मोटी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाएगी, पंच में बहुत ज्यादा मिलती है, इसमें थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। और भाई जो इसके ORVM है वो बॉडी कलर्ड है, टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर, यहाँ पे भी टेप का यूज किया गया है, और बी पिलर के ऊपर भी यहाँ पे आपको टेप मिलेगी। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड है, यहाँ पे इसमें मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर, और ये है इसका की होल। ऊपर इसमें ग्लोसी ब्लैक कलर की ये रूफ रेल दी गई है। सनरूफ भाई इसमें भी मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपको ये ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट मिलेगा जो इसका सी पिलर है इसके ऊपर। ड्यूअल टोन होगा तो ये वाला पार्ट पूरा इसमें ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है, ये भी पियानो ब्लैक है, और भाई जो शार्क फिन एंटीना है वो भी पियानो ब्लैक है। क्रोम का इतना यूज नहीं है जितना ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट का यूज किया गया है इसके ऊपर। यहाँ पे भी आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा। वाइपर दिया गया है, डिफोगर है, वॉशर है, ऊपर हाई स्टॉप लैंप, और भाई 6 एयरबैग इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ये लगा के दिया है कंपनी ने यहाँ पे स्टिकर। इसके टेल लाइट की बात करूं तो ये भी एच शेप में मिलेगा, पीछे यहाँ पे ब्रेक लाइट मिल जाएगी, हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, टर्न इंडिकेटर इसका, और जो बैक गियर के लिए लाइट है वो भी हैलोजन है। यहाँ पे SX का इसका जो वेरियंट है वो दिखाया गया है, Hyundai का यहाँ पे लोगो, एक्स्ट्रा वहां पे लिखा गया है। दो इसमें पार्किंग सेंसर मिलेंगे बंपर के ऊपर, सिल्वर कलर की स्किट प्लेट है, और नीचे इसमें मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस की बात करूं तो भाई थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा मिलेगा पंच से, यहाँ पे भाई कैमरा भी मिलता है इसमें। इसमें आपको मिल जाएगा 391 लीटर का, जो भाई इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है पंच, उसमें मिलता है आपको 366 लीटर का। और भाई यहाँ पे इसमें ये लैंप भी दिया गया है, पार्सल ट्रे ये दी गई है, यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलेगा यहाँ नीचे, ये है यहाँ पे। इसका साइज बताऊं तो ये भाई 1 इंच छोटा होगा, 165/70 R14 ब्लैक कलर का, इसमें आपको स्टील रिम मिलेगा, और भाई मैट कंपनी दे रही है। मैंने जो आपको SX CNG वाला वेरिएंट दिखाया था उसमें भी मैट थे, और जो ये टॉप वेरिएंट है इसमें भी मैट साथ में दिए हैं कंपनी ने। अब भाई इसको करते हैं बंद और चलते हैं इसके इंटीरियर में, वहां पे जाके देखते हैं क्या इसमें फीचर्स हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये देखो भाई, मैंने वो व्हाइट कलर में दिखाया था आपको पहले, जो इसका दूसरा वेरिएंट दिखाया था CNG वाला, उसमें यहाँ पे सिल्वर था अंदर, लेकिन इसमें पूरा ब्लैक है, ये खाकी कलर है तो भाई पूरा ब्लैक हो गया। अब बाकी जो कलर आएंगे इसके धीरे धीरे पता चल जाएगा उसमें क्या कुछ चेंज होगा। अंदर जाके दिखाता हूं इसमें कलर में क्या डिफरेंस आया है। पहले इसका डोर पैनल दिखा दूं, यहां पे पूरा ब्लैक कलर में है, डार्क ग्रे कलर में मिल जाएगा डोर ओपनर, यहां पे सारे कंट्रोल मिलेंगे, ये थोड़ा स्पेस, यहां पे बोतल होल्डर, फाइल होल्डर, यहां पे दिया गया है स्पीकर। अब सीट की बात करूं तो भाई सीट का कलर भी इसमें चेंज हो गया, यहां बीच में ये खाकी कलर इसमें दे दिया, जो व्हाइट कलर वाला था उसमें पूरी भाई ये ब्लैक कलर में थी सीट, और ये हाइट एडजस्टेबल इसमें सीट मिलेगी, मैन्युअली आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ऊपर यहां पे फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं। अब चलते हैं भाई इसके डैशबोर्ड की तरफ, ऊपर पूरा यहां पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहां पे ये सिल्वर की जगह ब्लैक होगा क्योंकि भाई ये खाकी कलर है, और इसमें ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे भी आपको ये कलर थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा। लेकिन जो व्हाइट कलर में दिखाया था मैंने वेरिएंट, उसमें यहाँ पे ये ब्लैक कलर में थे जो ये दोनों इसके कंट्रोल हैं, और यहाँ पे उसमें सिल्वर कलर दिया गया था। तो ये छोटे मोटे से चेंज है इंटीरियर में, सीट का कलर भी उसमें चेंज था, बाकी अब जैसे जैसे इसके कलर आते रहेंगे वैसे भाई देखते रहेंगे क्या क्या चेंज आएगा। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और उसके ऊपर भी ये 3D डिजाइन मिल जाएगा, यहाँ पे भी ये डिजाइन दिया गया है, और बाहर जो सी पिलर पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट दिखाया था, पीछे बूट पे दिखा था, वहां पे भी सेम एलिमेंट है, ये ट्राई एरो डिजाइन है जैसा आपने पंच में देखा होगा। और भाई ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे पियानो ब्लैक है, यहाँ पे आपको ये टच इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, और नीचे यहाँ पे आपको ये सेम यही टेक्सचर यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा मैट टाइप का। हैजार्ड लाइट का स्विच है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये दिया गया है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिलेगा, इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ये यहाँ पे, और भाई यहाँ पे ये टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे USB पोर्ट। ये मैट बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई सॉकेट में कुछ चीज लगानी है इसमें एक्स्ट्रा कोई चार्जर या इन्फ्लेटर वगैरह, तो आप इसको निकाल के यहाँ पे वो यूज
चार्ज कर सकते हैं। अगर यूएसबी लगाना है तो आप यहाँ पे इसको खोल के यहाँ पे यूएसबी भी लगा सकते हैं इसमें। और भाई ये एएमटी है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो इसका गियर लीवर है वो थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा। आर एन डी और एम का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। 5 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। यहाँ पे भी भाई ये सारा इसमें ब्लैक कलर मिलेगा और साइड में यहाँ पे भी ये देखो डिजाइन जैसे नहीं उसमें आपने देखा होगा ये जो इसका गियर लीवर वाला पार्ट है इसकी साइड में यहाँ पे डिजाइन होता है। यहाँ पे भाई आपको ये दो कप होल्डर मिल जाएंगे, थोड़ा स्पेस ये मैनुअल ये हैंड ब्रेक इसका। अब इसका ग्लव बॉक्स दिखा दूं तो भाई ये कोल्ड है और यहाँ पे आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिलेगा, थोड़ा स्पेस ये दिया गया है। टोटल भाई इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ पे एक मिल जाएगा ये यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर, बाकी भाई ये साइड में मिलेंगे दो पिलर्स के ऊपर और यहाँ सीट की साइड में भी आपको बैज मिल जाएगा इसमें। ऊपर बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको डिमिंग IRVM इसमें मिल जाएगा। SOS का बटन है, ये RSA के लिए और ये है ब्लू लिंक के लिए। यहाँ पे भाई ये सनरूफ का कंट्रोल, ये इसमें येलो कलर की इसमें लाइट दी गई है। यहाँ पे दिया गया है माइक और ये देखो इसकी सनरूफ, छोटे साइज की इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगी जैसे i20 में होती है। और भाई यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे दिया गया है फोल्डेबल ग्रैब हैंडल और यहाँ पे टिकट होल्डर है। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की, तो ये देखो भाई पूरा लेदर रैप है। यहाँ पे भी आपको ये ग्रे टेक्सचर मिल जाएगा जैसे डोर हैंडल पे था ना, ये सेम टेक्सचर यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये मिलेगा जो इसके डैशबोर्ड के ऊपर दिया था वो वाला टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है। ये सारे कंट्रोल है म्यूजिक सिस्टम के लिए और ये मिल जाएगा भाई क्रूज कंट्रोल और MID के लिए। अब ये AMT गियरबॉक्स के साथ है तो यहाँ पे आपको इसमें पैडल शिफ्टर भी मिलेंगे और यहाँ पे दिया गया है वाइपर के लिए स्ट्रोक। यहाँ पे मिल जाएगा ये हेडलैम्प के लिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा ये हेडलाइट लेवलर और यहाँ पे दिया गया है व्यू के लिए, जो मतलब इसका कैमरा है पीछे वाला वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये भी टिल्ट ही होगा, टेलीस्कोपिक इसको भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और भाई पूरा डिजिटल इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। एक बार इसको मैं स्टार्ट ही करके दिखा दूँ, ये इस टाइप का है इसका क्लस्टर का पूरा लुक। यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिखेगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर, साइड में ब्लू ब्लू सा इसमें एनिमेशन आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फ्यूल के लिए और भाई यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा। CNG वाले वेरिएंट में यहाँ पे CNG शो करता है, उसमें भी डिजिटल ही मिलता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो करेगा आउटसाइड का। यहाँ पे ऊपर ये पीछे वाली जो सीट है उसके सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे वार्निंग दिखाएगा। ये यहाँ पे ओडोमीटर, बीच में यहाँ पे कंपास है, ऊपर यहाँ पे गियर शो करेगा और भाई यहाँ पे ये इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करता है। अब बाकी चीजें अगर चेक करनी तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको प्रेस करूंगा तो TPMS शो करेगा। यहाँ पे ये सिंस लास्ट रीसेट यानी कि ट्रिप वगैरह आपको यहाँ पे पूरा डाटा इसमें दिखाएगा। अब यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी आपको वही एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको जो ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर होते हैं वो भी मिल जाएंगे और भाई इसका थोड़ा सा इंटरफेस है वो भी थोड़ा अलग मिलेगा। ब्लू ब्लू से इसमें आपको आइकन मिल जाएंगे। अब भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से, उसकी वजह से थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा हुआ है। देखो इस टाइप का इसमें ये आपको सारे इसके आइकन है जो वो मिल जाएंगे। बाकी कनेक्टेड फीचर है जो कनेक्ट कार वाले वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी और सारी चीजें सेम वैसी हैं SX वेरियंट के जैसे। तो भाई ये था इसका फर्स्ट रो का जो भी कुछ। हाँ भाई इसमें ये चीज तो भूल गया मैं, जो कंपनी ने हाईलाइट की थी, इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे डैश कैम कंपनी फिटेड है। इसमें अंदर भी यहाँ पे कैमरा है और पीछे की तरफ भी यहाँ पे कैमरा आपको मिलेगा। ये भाई डिस्प्ले भी दी गई है इसमें, देखो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सारे इसके कंट्रोल। अब चलते हैं भाई इसके सेकेंड रो में, वहां पे जाके देखते हैं क्या कुछ इसमें हमें फीचर्स मिलेंगे। गाड़ी को करते हैं बंद और सेकेंड रो में दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो भाई पीछे वाला डोर पूरा ब्लैक कलर में है। यहाँ पे ये मिल जाएगा पावर विंडो के लिए कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, ये इसका डोर ओपनर। यहाँ पे भी आपको सेम वही डिजाइन मिलेगा जो आगे वाले डोर पे था। यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर में भी भाई वही सेम ट्रायर डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे बोतल होल्डर। अब इसकी सीट की बात करूँ तो वही आपको ब्लैक और खाकी कलर का इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। साइड में यहाँ पे इसमें ये लेदर टाइप का एलिमेंट यूज किया गया है, ऊपर पूरा फैब्रिक है और पीछे वाले हेडरेस्ट भाई एडजस्टेबल है, दो ही हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट आप फोल्ड कर सकते हैं, पूरी बेंच सीट है, बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगी, बीच वाली सीट भी भाई 3-pointer है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये दूसरा इसका सिरा यहाँ पे है और भाई यहाँ पे आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी दिए गए हैं। इसकी मैं सीट के कंफर्ट की बात करूं तो भाई ये देखो जो आगे वाली सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है और यहाँ पे देखो इतना मेरे को इसमें नी स्पेस मिल जाएगा और भाई इसके नीचे बिल्कुल लंबी टांगे करके बैठ सकता हूँ मैं। यहाँ पे जो फ्लोर है इसका वो भी ज्यादा ऊंचा नहीं है तो भाई उसकी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसमें दो बड़े बंदे बैठ जाएंगे, बीच में एक बच्चा बैठ जाएगा। अगर बड़ा भी बैठना चाहे, थोड़ा बहुत दूर जाना है, तो बड़ा भी यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। सेकंड रो के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसमें AC के वेंट, यहाँ पे इसमें पीछे पॉकेट भी दिया गया है। ऊपर भाई यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी येलो कलर में ही, फोल्डेबल ये इसके ग्रैब हैंडल, यहाँ पे हुक भी मिल जाएगा। तो ये हो गया भाई इसका इंटीरियर। फीचर्स तो सारे वैसे ही मिले जो SX वेरिएंट में थे, पीछे वाली सीट पे तो यहाँ पे कुछ चेंज है नहीं, आगे इसमें थोड़ा सा चेंज था। अब भाई आपको एक बार मैं इसका इंजन भी दिखा दूं खोल के, बाहर से बात क्या करनी। ये देखो भाई इसमें पैडल भी थोड़ा अलग टाइप के मिल जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो आपको इसमें ये रबड़ वाले नहीं स्टील वाले पैडल्स मिलेंगे। और भाई
यहाँ नीचे इसमें लाइट भी होती है, ब्लू ब्लू कलर की लाइट आपको इसके ऊपर दिखाई दे रही होगी पेडल के ऊपर। ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ आपको ड्राइवर साइड भी को पैसेंजर साइड भी आपको ये लाइट इसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये देखो इसका इंजन 1200 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें 82 bhp की पावर मिलेगी और 114 Nm का टॉर्क मिलता है। CNG में थोड़ी सी पावर और टॉर्क कम हो जाएगा। अगर इसकी माइलेज की बात करो तो भाई पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 19.1 की। बाकी इंजन तो जाचा परखा है, जो आपने नियोस और ओरा में देखा था वही है। थोड़ी सी इसकी ट्यूनिंग अलग हो सकती है। इसकी कीमत की बात करूं, टॉप वेरिएंट है, AMT गियरबॉक्स के साथ है, इसलिए भाई इसकी एक्सशोरूम कीमत है 10 लाख रुपए। अगर आप मैनुअल में लेंगे तो वो है 9,32,000 रुपए का। भाई इसकी मैं की दिखाना बोल गया था, ये आपको इसमें की मिलेगी, दोनों रिमोट की मिलती है, सेम मिलेगी दूसरी की भी। यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए, अनलॉक के लिए, ये लॉक के लिए, और यहाँ पे मिल जाएगी इसमें फिजिकल की। तो ये था भाई एक्स्ट्रा का SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरियंट, टॉप वेरियंट। आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।